हजरत अलामा सफूरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत सुलेमान अल्लाह के नबी का तख्त हवा च उड़ता जा रहा, तवज्जो मेरे वल भाई, अचानक समंदर तो गुजरे थे, आपने देखा कि समंदर चो अजीब जी लहर उठ दियां। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैह सलाम ने हवा को हुक्म दिता कि मेरा तख्त जमीन से उतार, समंदर के किनारे आपका तख्त उतरिया। आप जी को आदत मुबारक सी कि हवा च उड़ते हैं, आप जब जमीन को अजीब काम वेखते थे जमीन से उतर आते। आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैह सलाम का तख्त हवा च उड़ता जा रहा, आपने फरमा तख्त जमीन से उतारो, उतरे अपने जोड़े अपने नलैन अपनी जुत्ती मुबारक तख्त से उतार के पैदल तुर पे। उम्मत ने अर्ज की नबी अल्लाह पैदल क्यों पे तुर दियो, हवा नु हुक्म दियो सफर करा दे। फरमाया ए मिट्टी विचों मैनू मुहम्मद की खुशबू पई आंदी है, मैनू इंज लगता जिवें इत्थे कदे मुहम्मद या रबी दा मदीना बनेगा। फरमाया मैं अज रब दा नबी होके इत्थे जुत्ती उतार के पैदल टुर के आने वाली उम्मतां नू मुहम्मद दे मदीने दा अदब दस के चलिया वा। अज हुक्म फरमाया कि उतरो, जब आप तख्त समंदर के किनारे उतरिया तो अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने अपने लश्कर वाल छाती मारी, जिन्नात के सरदार ने हुक्म फरमाया कि समंदर च छलांग लगा, ते वेख के आके लहर कितों पईयां उठ दियां ने। जिन्नात के सरदार ने छलांग लगाई ते आके अर्ज की नबी अल्लाह मैं वेख के आया कि जिथों ये लहर पईयां उठ दियां ने उत्थे जाण दी मेरी जरूरत ही नहीं, मैं नहीं इतनी गहराई च जा सकता। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहि सलाम ने दोबारा अपने लश्कर वल वेखिया, आसे बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहि सलाम दी उम्मत दा वली, इसमें आदम दा आमिल, हजरत आसे बिन बरखिया वल वेख के फरमा आसब छलांग मार, उगो कि नौजवानों ते कुर्बो जवार तो आने वाले हो। उन्हें ये नहीं अर्ज की नबी अल्लाह जिथे जिन्ना दा सरदार डुब चलिया सी मैं इंसान होके उत्थे किवें जावां, पर उन्हें आख्या उन मुर्शिद दा हुक्म है ना, नहीं बोलते सुभान अल्लाह। मैं भी उर्दू च लैक्चर दे के टुर जावां सौखा काम आउंदा है जे आखो ते जे तुसां वाकई तकरीर सुनी है फिर उच्चा सुभान अल्लाह बोलो मदीने आवाज जावे। अल्लाह दे नबी ने यह नहीं अर्द की थी कि नबी अल्लाह मैं किधरे डूब के ना मर जावा, यार आ दरियाए जहलम कश्ती पे पार करे, शाजी कश्ती च तीन बाबे बैठे, एक बाबा कौन है ताजदारे चूरा शरीफ, बरे सगीर दिया 72 गद्दियां दा पीर, हजूर बाबा जी सरकार, हजूर खाजे खाजगां, इमामे नक्शबंदियां, हजरत बाबा जी पीर सैयद फकीर मोहम्मद शाह गिलानी चुराही, ताजदारे चूरा शरीफ, मेरे साईं लजपाल, नाल कश्ती च दूसरा बाबा गुजरात बाबरी शरीफ का ताजदार, आप दे खलीफा हजरत खाजा गुलाम मुहियुद्दीन साहब बावली शरीफ वाले, और तीसरा आप दा खादिम दा नाम सी हाफिज मेहरदीन, अखां तो नबीना सी। जद कश्ती दरियाए जेलम दे दरमियान च गई ना, ते हाफिज मेहरदीन कहंदा बाबा जी ये दरिया किन्ना कु डूंगा आउंदा है, ते बाबा जी हुजूर फरमांदे ने हाफिजा आपे छाल मार के वेख लै, उन्हें आओ वेख्या ना ताओ वेख्या ते उन्हें छलांग लगा दी। हजरत खाजा गुलाम मुहियुद्दीन साहब बावली शरीफ वाले रोन लग पे, ते बाबा जी ताजदारे चूरा शरीफ फरमाते ने तू क्यों रोना है, अर्ज की हजूर वो अखा तो नबीना है, तैरना नु आउंदा कोई नहीं, ते तुहाडे आखे लाके उन्हें छाल मार दी थी डुब के मर जाएगा। ते बाबा जी ताजदारे चूरा शरीफ फरमाते ने जिदे आखे छाल मारी उन्हें को डुबन देना, उन्हें को डुबन देना जिदे आखे छाल मारी। गिरामी कदर हजरा जद कश्ती किनारे लगी ते हाफत मेर दिन सुकम सुका किनारे खलोता, खाजा गाल गुलामियुद्दीन साहब बावली शरीफ वाले फरमान लगे ओ हाफिजा ओ तेनू ते तैरना नहीं आउंदा ते तेरा ते लू भी गिला नहीं होया। हाफिज मेर दिन बोल के कहन लगा अमला वाले लंग पार गए वाले लंग पार गए पे अमले गो देखा दे गुलाम
फरीदा ओ डुबन नहीं देन दे हुंदे कामिल पीर जिना दे हुंदे कामिल पीर जिना दे ओ नहीं डुबन दे दे ये इजाजत होवे ते गल सुना देवा थोड़ा जा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ भी नहीं चुकना मत किधरे को शहीद ना हो जाए मेरे तो कबल तुसा साढ़े सियालकोट दी जीनत हजरत अलामा सुलेमान मिसबाही साहब दा इतना हसीन खिताब जरूर यकीनन खिताब दा हसीन खिताब आपने समात किया होगा और अपनी अलहमदुल्ला मैंने पता नौजवानों दी बैटरियां भी चार्ज करके गए होंगे मैं तो हौले हौले अदमत वाल दैन वाल लैके जाना है मैं चाहना कि जो बैटरी चार्ज हुई उन्होंने मैं मजीद चार्ज करके जावा ताकि साल पूरा गुजारा हो जाए इरामी कदर हजरात गुलाम फरीदा डुबन नहीं देंदे होंदे कामिल पीर एक दिन ना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के दी गली च बड़ साहब आ रहे इधर अबू जाल दा पुत्र इकरमा जा रहा जामियुल मौजजात ते चाहुंदा कि इकरमा दी निगाह उठी ते मुस्तफा दे चेहरे ते पै गई एदी ते निगाह मुस्तफा दे चेहरे ते पई पर उधर कमली वाले दी निगाह उठी ते इकरमा दे चेहरे ते पै गई ते जिदे चेहरे ते पै जे मेरे नबी दी निगाह एडियां सोहणियां यार दियां अखियां ने ओ जिवें भर के सुराइयां रखियां ने ओ मेरे नबी दी निगाह जद इकरमा दे चेहरे ते पई ना नौजवान इकरमा दे दिल दी दुनिया बदल गई रोंदा जांदा नाले मक्के दी गली च दौड़दा जांदा है लोग कहंदे ने इकरमा ठहर जा क्यों प्यार दौड़ना है कहन लगा आपा जांदी वारी कह गया सी पुत्रा मरनो मर जाए किधरे मुहम्मद दी नजर ना पै जाए अज मेरे ते मुहम्मद दी नजर पै गई है दौड़िया दौड़िया अपने पुत खाने आया अपने पुत दे कदम फड़ के कहन लगा मेरे रबा मैनू बचाओ ले अज मेरे ते मुहम्मद दी नजर पै गई है कमली वाले दा नाम सुनया पुत जमीन ते डिग गया पुत दे दो टुकड़े हो गए आवाज आई हुन कौन बचावे हुन त मुहम्मदी नजर पै गई है नौजवानों पुत खाने च रोंदा निकलिया दरिया दे किनारे आके मुड़ के कहन लगा मुहम्मद मर जावांगा मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ना उन्हें दरिया विच छलांग मारी दरिया दियां लहरां चुके बार सटिया उन्हें दूसरी बारी छलांग लगाई दरिया दियां लहरां चुके बार सटिया उन्हें तीसरी बारी छलांग मारी दरिया दियां लहरां चुके बार सटिया दरिया बलबे के कहन लगा मैनू मारदा क्यों नहीं लहरां च आवाज आई तेनू कौन मारे तेरे ते मुहम्मदी नजर पै गई है ते जिन्ना ते मुहम्मदी नजर पै जाए ओ ते मरदे ही नहीं कब्रां च भी जिंदे ही रहिंदे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हदरी कोई मरदे ने जिन्ना ते मुहम्मदी निगाह पै जाए गुलाम फरीदा डुबन नहीं देंदे हुंदे कामिल पीर जिना दे गिरामी कदर हजरात नहीं डुबन देंदे ना दुनिया बेच ना कबर च ते ना हशर च बात दूर निकल जाएगी जी मैं पेंडे पै गया हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने अपने वजीर आसिफ बिन बरखिया ने इशारा अबरू किया ते फरमाया छलांग मार आसिफ ने छलांग मारी ते बड़ी देर दे बाद बाहर निकल के अर्ज की नबी अल्लाह मैं समंदर दी तैवां च वेख के आया एक सफेद रंग दे मोती दा महल बने अल्लामा अब्दुल रहमान मुल्ला सफूरी ने लिखा मुहद्दिस इब्न जौदी ने अल बिर्रु वसीला च लिखा कि आसिफ बिन बरखिया कहन लगा लजपाल मैं वेख्या इको ही मोती दा महल है ते ए लहरां उस महल चो पईयां निकल दियां ने फरमाया जिन्नात नूं नाल लै जा ते ओह महल बाहर निकाल के लैके आ आसिफ बिन बरखिया जिन्नात नूं नाल लैके गए ते मोती दा महल जदों समंदर दियां तैवां चो निकाल के बाहर लियांदा अल्लाह दे नबी हजरत सुलेमान अलैहि सलाम वेख्या बड़ा खूबसूरत महल अर्ज की थी या अल्लाह ये महल जरा खोल मैं तेरी कुदरत दा को नजारा करा मेरी मिल्लत दे नौजवानों जदों महल दे दो टुकड़े हो गए बड़ साहब इन्हें खोलो जरा जदों महल दे दो टुकड़े होए ना ते हजरत सुलेमान अलैहि सलाम फरमांदे ने मैं अंदर जाके वेख्या ते बड़ा सोहना जिहा नौजवान अखियां बंद
अल्लाह का जिक्र ते याद इलाही पिया करे। सुलेमान अलैहि सलाम बड़े हैरान होकर फरमाते रहे अस्सलामु अलैकुम। उन्हें अख खोल के नबी का चेहरा वेख्या, कह लगा वालेकुम सलाम। हजरत सुलेमान फरमान लगे कौन है, कह लगा हजूर मैं अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के दौर का नौजवान हाँ। सुलेमान अलैहि सलाम फरमाते ने मैं हिसाब करके वेख्या ते और नौजवान की उम्र तकरीबन 2000 साल बन दी सी। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम उदे करीब बैठ गए ते फरमान लगे इत्थे मोती दे महल च की पिया करना है। कह लगा नबी अल्लाह मैं अल्लाह दी याद इत्थे ही करना। आपने फरमाता से मुकाम ते मर्तबे कित्थों लेनी, समंदर दियां तहां च वसना है, मोती दे महल च वसना है, ए मुकाम ते मर्तबे कित्थों लेनी। नौजवान ने अर्ज की थी नबी अल्लाह जदों मेरी मौत दा आखरी वेला आया, मेरी मां कह लगी वे पुत्र आजा जांदी वार जरा मां दे सीने लग जाओ। नौजवान ने अर्ज की थी मन मां दे सीने ते लेट गया। मेरी अम्मा ने सीने लगा के अर्ज की थी औला मेरे पुत्र ने मेरिया बड़िया खिदमत कीतिया ने, अज मैं टुर चली हाँ। अर्ज कर दी या अल्लाह मैं दुआ करनी हाँ मेरे पुत्र नूं तो दुख ना देवी, मेरे पुत्र नूं अपनी इबादत दी तौफीक देनी आओ, मेरा पुत्र गुनाहों दे करीब भी ना हो जावे, मेरे बाद इन्हों अपनी इबादत दी तौफीक दी रखनिया ने। अर्ज की थी नबी अल्लाह मां दे सीने ते लेटे आओ। मेरी मां ने दुआ की थी, मेरी मां दी रूह परवाज कर गई, लोगों मरना सारिया ने मैं दुआ करया करो किसे दी मां ना मरे, किसे दा बाप ना मर जाए। आरफे खड़ी रहमतुल्ला अलैह मियां साहब जदों इन्हां वल गए ते मियां साहब फरमांदे ने मां मरे ने मापे मुके दे पीर मरन बेड़ा बेला ते बाप मरे मुहम्मद बादशाह ते मुक जांदा जे मेला। अर्द की थी नबी अल्लाह मेरी मां ने दुआ की थी मां टुर गई। अर्द की थी सोने मां अपने अबू दियां खिदमत करदा रहा। जेड़े बेले मेरे बाप दा आखरी वेला आया अबू ने भी आख्या पुत्र आया जा जांदी वार तेरी मां ने भी दुआ दी सी आजा मैं भी जांदी वारी तेने को दुआ देनी है। सोनिया मैं अपने बाप दे सीने ते लेट गया। अबू ने अर्ज की थी अल्लाह इदी मां भी राधी गई है मैं भी बड़ा राधी चले आओ मैं जांदी वारी दुआ देना इदी मां ने नु इबादत दी दुआ दी सी मैं दुआ देना या अल्लाह मेरे पुत्र नु उथे इबादत दी तौफीक देनी आ जिथे शैतान की पहुंच भी ना जा सके। अर्ज की सोने अबू ने दुआ की अबू दी भी रूह परवाज कर गई। मियां साहब फरमा देने ए सदा ना बाकी बुल बुल बोलने ए सदा ना बाग बहारा सदा ना मापे हुसन जवानी ते सदा न सोपत यारा। साहब रहमतुल्ला ले फरमा देने ए बागां दे विच हरियल तोता ए फिर दा डाली डाली जिन्ना बागां दे मर जन माली फिर रब उनादा बाली। अर्ज की थी नबी अल्लाह मेरी मां भी टुर गई बाप भी टुर गया। मैं एक दिन समंदर दी सैर पिया करदा सां ए मोती दा महल वेख के मैं अंदर चला गया। ओ दिन गया अज दा दिहाड़ा आया मैनू नहीं पता मैं जमीन ते वसना के मैं आसमान ते वसना। अल्लाह दे नबी सुलेमान फरमान लगे बेचे अल्लाह ने तेरी दुआ नु कबूल कर लिया तेरे मापिया दियां दुआवां भी कबूल हो गईं। अल्लाह ने तेनू समंदर दियां उन्हां तेवां च इबादत दी तौफीक दित्ती है।
जिथे जिन्ना दा सरदार भी नहीं जा सकदा। फरमाया दस खांदा की है पींदा की है। अर्ज करदा नबी अल्लाह जद भूख लगदी है एक बेल लुकदी है ओदे नाल फल लगदा है। ओ फल कना कायनात दी हर चीज अलू तफे आ जांदा है। जद प्यास लगदी है एक नहर चलदी है पानी पीना दूध शहद मजा आ जांदा है। अल्लाह दे नबी सुलेमान ने उन्हों फड़ के सीने न लाया। फरमाते ने समंदर दियां दावां च वसने दस तेनों कदे गोता नहीं लगे आ तेरे सिर ते कदे पानी नहीं चढ़े आ। हाथ जोड़ के कहन लगा रब दे नबी सोने आ आप ही कह दियो मेरे मापिया दियां दुआवां कबूल होइयां ने ते जिथे मापिया दियां दुआवां आ जान उथे चढ़े पानी भी लथ जांदे। नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी जिथे दुआवां मापियां दी आ जा जा उथे ते चढ़े पानी लथ जांदे। रब्बे काबा दी कसम चढ़े पानी उथे लथ जांदे जिथे मापियां दी दुआवां आ जा। तवज्जो है जी ग्रामी हकदर हजरात को बाप दी अजमत पूछे मेरे नबी कोलो। मां दे कदमा थले जन्नत ए भी मेरे नबी दा फरमान है। कितनी मुबारक हस्ती है मां। गर्मियां दी दोपहर वेले बच्चा सुता होवे ना ते मां अपना फटिया जो दुपट्टा बच्चे ते दे देवे ते बच्चे नूं इंज लगदा जिवें खुदा दी रहमतां छां कर दित्ती है। पर बाप बाप भी ऐसी शफीक हस्ती सैयद आलम दे गुलामों मेरे नबी ने फरमाया जन्नत जड़ी मां दे कदमा थले वे ना उस जन्नत के अठ दरवाजे ने। मेरे नबी फरमा किसे जन्नत का मेन गेट वेखना। अबू बन के गल नहीं सुननी अबू का पुत्र बन के गल सुननी है। अपने अबू का पुत्र बन के गल सुनो फिर अदब आवेगा। मेरे नबी फरमा किसे जन्नत का मेन गेट वेखना जी कमली वाले फरमाया बाप जन्नत का मेन गेट है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफरिद अंदर जड़ी अहदीस लिखी है मैं एक दो हदीस पाक दा मफहूम अर्ज करके गुजर जावांगे। फरमा बाप जन्नत दा मेन दरवाजा है। मेरे नबी ने फरमा पावे इनू जाया कर दे ते पावे रख ले यानी जे मां दे कदमा वाली जन्नत च जाना ही ते अबू वाले बूहे दा ख्याल रखी। यकीन करिया जे मां दे कदमा थले जन्नत ए वो कितनी अजीम हस्ती है। मां जिदे कदमा थले जन्नत होवे मगर कदे गौर कीता जे साड़ी अम्मी सारी जिंदगी कपड़े साड़े बाप दे धोवे रोटी अवे जुत्ती बाप दी पालिश करे ते यार जेड़ी माई दे कदमा थले जन्नत है वो जिदियां रोटियां पकांदी है वो बाबे दी किन्नी कुशान होवेगी। वो बाप दी किन्नी कुशान होवेगी। अलिफ लाम मीम दी अलिफ दी चोटी तों लैके वन्नास दी सीं दे घेरे तक सारा कुरान पढ़ के वेख लो। अल्लाह ने कुरान च मां दियां शानां ते बड़ियां बयान कीतियां मगर रब ने कुरान च मां दी किधरे कसम नहीं उठाई। पर जदों आई ना चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे दी वारी ते अल्लाह ने कुरान च फरमाया वा वालिदीन वा मा वलद। अल्लाह फरमांदा मैनूं कसम है बाप दी। अर्ज की लम अलिद वलम यू ल तू तो कहना मेरा अबू कोई नहीं ते कसमा क्यों चुकना। अल्लाह फरमांदा मेरा बाप तो कोई नहीं पर मैं तेरे बाप की कसम चुक के दसना चाहना इस चिट्टी दाड़ी वाले बाबे दा हया करी एदा रब भी हया कर दे। सुभान अल्लाह। और रब जिदा बाप कोई नहीं और रब बाप की कसम चुक दे। अल्लाह फरमांदा सारा जग मेरिया कसमां चुक दे ते रब बाप की कसम उठा के दसना चाहता है कि बाप की अदमत शान की। नौजवानों अज नौजवान अखी अकड़ के बाप वाल वेख दे शाजी अज मावां रोंदियां ते बाप कुर लाउंदे। मैं तुहाडी गल नहीं कर रहा मैं उन्हां नौजवानां दी गल कर रहा जिन्हां दियां वडेरियां मावां ते वडेरे जे बाप मेरे को आके रो के कहंदे ने आसी साहब कोई तवीज़ लिख दिओ मेरा पुत्र मैनूं बुलांदा नहीं। अद्धी रात वेले जे पुत्र घर आवे ना ते अबू पुछे ना कित्थों आए अज दे पुत्र इंज घोरी पा के बाप वाल वेखदे ने कि बाप बेचारा अगली रात तो पुछदा ही नहीं कित्थों आए हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से मावां रोंदियां ते बाप कुरलांदे।
तुसा सारी जिंदगी वेख्या कि मैं हुण तक जितनी जिंदगी गुजारी मेरे करीम के जोड़ियां दा सदका सड़कां ते गुजर गई सरकार दे जिक्र लई मिंबरे रसूल ते बैठा मैनू कसम मिंबर वाले रसूल दी रात देखो ढाई या तीन बजे का टाइम से मैं पता नहीं किस शहर चो पाकिस्तान के किस शहर चो वापस आया तकरीर करके सर्दियों की धुंदा की रात चिट्टी दाड़ी वाला बाबा मैं सड़क से खलोता कला ही वेख्या मैं ड्राइवर ने आख्या गड्डी रोक के मैं बाबे ने पूछा मैं आख्या बाबा जी सर्दी बड़ी है धुंद बड़ी है तो रात में इस वेले सड़क से कले खलोते हो खैरियत है बाबा जी मैं कह लगे आफ जी वो मुंडा अज काम तो नहीं ना आया अजे काम तो नहीं आया ओवर टाइम लाना सी अजे आया नहीं थे मैं आके सड़क से खलो गया कितने गलियां कला आएगा मैं सड़क से जाके खलो गया कि उन्होंने मैं नाल लै जावगा जेड़े बाप ने अखियां कड़के वेख लेंदे हो ना यार तुसी घर ना ना वो ते सब बाप नु तुहाडे बाद सर्दियां दी ठंडी रात च गरम बिस्तर च नींद ते नहीं आंदी आओ सऊदी अरब जाके 15वीं मंजिल ते जाके गर्मी विच बाबा दिहाड़ी लगांदा क्यों पाकिस्तान मेरा पुत्र सुख दी नींद नाल एसी वाली हवा च ठंडी हवा च सौ जाए मेरा पुत्र जो किताब पढ़े तो ठंडे कमरे च बह के पढ़े बाप जिहड़ा सारी जिंदगी अपने पुत्र दे वास्ते अपनी जिंदगी गुजार देंदा है जवानो कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बाप की आदमत बयान की साल हाजी हाज करके आवे ना सियालकोट एयरपोर्ट से खलो जायो जेड़ा हाजी आवे उन्हें पूछो हाजी साहब वो सर्टिफिकेट विखाओ जेड़ा सऊदी अरब वाले दिता है कि जाओ हाजी साहब हज कबूले हाजी साहब कहेंगे कोई सर्टिफिकेट नहीं हज कर आया कबूल कि नहीं ये रब न पता है पर कौन है दिवाली ने फरमा काबे गया हज करके हमें तेरे को गारंटी नहीं कबूल है कि नहीं फरमाया आ जा मुहम्मद तो गारंटी ला ले इत सुबान अल्लाह कहनी बन दी जे मेरे नबी फरमा गारंटी ला ले फरमाया सवेरे उठ के अपने बाप का चेहरा वेख के मुस्कुराया कर ए नहीं फरमाया कि अबू दे कदम दबा ए भी नहीं फरमाया अबू दा हाल पुछ ए भी नहीं फरमाया कि अबू दी जेब च पैसे नहीं नहीं मेरे नबी फरमा बस जेड़ा नौजवान सुबह उठ के अपने अबू का चेहरा वेख के मुस्कुरा देवे अबू नु वेख के मथे तीउड़ी ना पावे हजूर ने फरमा बस मुस्कुरा देवे रब दे नामे अमाल च एक कबूल हज ते दो उमरियां दा सवाब लिख देंदा है इत्थे सुभान अल्लाह आख्या जदा इधरों आवाज आई कमली वाले जेड़ा रोज अबू नु दो वारी वेखे मेरे आका फरमा दो हजां दा सवाब इधरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अबू नु तीन वारी वेखे मेरे नबी परमा तीन हजा का सवाब और बारहों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा अबू नु रोज चार बारी वेखे मेरी सरकार ने हाथ ला के फरमाया इशारा करके फरमाया केड़ी तीन ते चार की गिनती च पै गए हो मेरे रब के घर को घट है फरमा रोज अबू नु सौ बारी वेख्या कर रब सौ हज दे सवाब अता करेगा रोज अबू नु सौ बारी वेख अज पुछो इन्हां पुत्रां कोलो जिन्हां नु सारा जग ते नजर ही आउंदा पर अबू नजर ही नहीं आउंदे अज उन्हां पुत्रां कोलो पुछो ना ईद गुजरी सारा जग खुशियां मनांदा होंदा है ते जिन्हां दे टुर जांदे ना वो कब्रस्तान जाके वेख्या जे चक्कर लगाया जे कोई मां दी ते कोई बाप दी कब्र ते बैठ के रोंदा होंदा है जग खुशियां मनांदा मापियां दीयां कब्रां ते बैठ के रोंदे होंदे जिंदगी च खुशी आ जाए तो याद फिर उ आते हैं वो जिंदगी च दुख आ जाए तो याद फिर भी मापे ही आते हैं वो जाके मापियां दीयां कब्रां ते रोंदे होंदे उन्हां नूं पुछो मापियां दी कदर की है पुछो अज उन्हां औलादां कोल जिन्हां दे सिरां तों बाप दा साया टुर गया चंद दिन पहले मैं एक मेरे नौजवान साथी को दे अबू फौत हो गए मैं फातिहा पढ़न गया ते रोके कहन लगा आसी साहब अल्लाह दी कसम इंज लगदा जिवें आसमान तो इलावा मेरे सिर ते साया कोई नहीं रहा कहन लगा मेरे मशवरे मुक गए मैं किदे ना मशवरे करा बाप टुर जाए मशवरे खत्म हो जांदे किदे ना इंसान मशवरे करे कायनात दे अंदर एडा मुखलिस है ही नहीं जिन्ना तेरा बाप तेरे नाल मुखलिस है आरफे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे ना टुर गए ने ए दिलदार दिला दे पतनों चुके मोहरा उजड़ी बस्ती नदरी
आवे कंड दिती इतने पढ़े लिखे नौजवान ना दाई जीती माए कोई नौजवान उठ के दावा नहीं कर सकता कि आसी सा मेरा अल्लाह मेरे ते राजी है क्योंकि कोई पैमाना नहीं जिदे ना तोल के दसी है जिदे ना ना आपके दसी है रब राजी है के नाराज पर मेरे नबी ने एक तरीका अदा फरमाया फरमाया जे वेखना वे रब राजी है के नाराज मेरे आका ने फरमाया सवेरे उठ के अबू दा चेहरा वेख्या कर के अबू राजी है समझी खुदा राजी बाप राजी ते समझी खुदा राजी मेरे आका फरमाया रिदा अर रब फी रिदा अल वालिद फरमाया बाप दी रजा च खुदा दी रजा है ते बाप दी नाराजगी च खुदा दी नाराजगी है अपने अपने गिरे बाना च एक बार जाती पा के वेख लो अबू राजी है के नाराज है सिर्फ तकरीर सुन के नारे मार के सुभान अल्लाह कह के लंगर खा के नहीं जाना कुछ लैके जाना है एक बार गिरे बान च जाती पा के वेख लो किधरे अबू नाराज थे नहीं हजरत इब्ने अब्बास फरमाते ने जिदी वजह तो मां या बाप की अख च अथरू आ जाए ओही मापिया का गुस्ताख है नौजवान बाप ऐसी कायनात की अजीम हस्ती आला हजरत फरमाते ने पुत्र ते बाप कट्ठे पे सफर करते सन अचानक जंगल च बाप की तबीयत खराब हो गई बाप का विसाल हो गया कल्या पुत्र ने जंगल रो रो के बाप की कबर बनाई आला हजरत फरमाते ने कि जब बाप की कबर बना के नौजवान चला गया ना अपने सफर से कई साल के बाद दोबारा वापस गुजरिया तो उस जंगल च गुजर होया तो उन्होंने ख्याल आया इस जंगल च मैं अबू की कबर बना के गया सा उन्हें इस तरह करके जंगल वाल वेख्या अबू ने सलाम करके गुजर गया आला हजरत फरमाते ने पिछू बाप की कबर चो आवाज आई पुत्रा मैनू मिलन तो बगैर ही टुर चले ते बाप की कबर चो आवाज आई पुत्रा कदे तू कबर चो ते मैं बाहर होंदा ना ते मैं तेनों मिलन तो बाद कदे ना जांदा ते पुत्रा एक बार आके मेरी कबर ते मैनू मिल के ते जा नौजवान हदीस बाग दे अंदर मुल्क शाम दे अंदर एक नौजवान बैठा है अचानक ओदे कन्ना च आवाज आई मदीने क नबी आया लगा दे कन्ना च आवाज आई कहने वाले ने आखिया डाजीम नबी आया है जिदे ते राजी हो जे रब राजी हो जाता है जिदे ते राजी हो जे रब राजी हो जाता है मैं ये तर्जमा जो करना हो ना अगर कोई अपना भला चाहता है अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसे को खुदा चाहता है और खुदा की रजा चाहते हैं दुआलों खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है ओ नौजवान ख्याल आया जे मैं नमाजा पढ़ के रब राजी करा ओते बेने आजे ओरे मेरे ते राजी ना होवे जे मैं हज ते ज़कात ना राजी करा ओ बेनियाज कबूल ही ना करे उन ख्याल आया चल मदीने चलने आओ जाके ओदा मैं ही राजी करने आओ ओ रब आपे ही राजी हो जाएगा ओ नौजवान मुल्के शाम तो टुरिया मदीने वाले आ रहे आओ नाले रोंदा नाले कहंदा रब्बा इन्हें गुस्सा दे दे एक बार तेरा यार वेखिया मैं नौजवान जड़े वेले मदीना तैयबा आया आके मदीने दिया दीवारा चुमदा है मदीने दी मिट्टी चुम के सीने दे नाल लांदा है टुरिया टुरिया मस्जिद नबी दे बार आया ते कहन लगा अस्सलामु अलैका या मुहम्मद कहन लगा मुहम्मद सलाम होवे नबी करीम ने इशारा करके करीब बुलाया कहन लगा जल्दी करो मेनू रब दे नबी नाल मिला दियो फरमाया मैं ही अल्लाह दा आखरी नबी आ कदमा ते हाथ रख के कहन लगा सुनया
सुन के आया तू राजी हो जे रब राजी हो जाता है। मैं मुल्के शाम इतने आया मैं तेनु राजी करने आया तेरे नबी ने फरमाया थोड़ी देर आराम कर लाए बाद च गल करांगे सफरां दा थके आया है। कह लगा सोने जिंदगी दा भरोसा कोई नहीं जल्दी कर मैं तेनु राजी करके रब राजी करन आया। नबी करीम ने कलमा पढ़ाया कलमा पढ़ा के अपनी नबूवत दी निगाह नाल मुल्के शाम दे घर विच वेखिया फरमाया नौजवाना दस तेरे घर दा की हाल है। अज महीनिया दे बाद घर दी याद आई ओ नौजवान रो के नबी दे कदम फड़ लाए। कह लगा कमली वाले आओ अपने मापिया की कली औलाद अर्थ करदा सोनिया जदों मैं घरों निकले आओ तेरी बडेरी जी माओ ने सीने ला लिया ते अम्मा कह लगी वे पुत्रा जमीना मामा कोलों पुत्रा दियां जुदाइयां नहीं सहियां जांदियां ते पुत्रा मैं मर जावांगी अर्थ कीती सोनिया मेरे वडेरे बाप ने सीने लाया। कहन लगा पुत्रा जमीना पुत्र जवान हो न मापिया दिया सदर जवान हो जांदियां ने पुत्रा मैं वडेरा हो गया तू टुर गयो मैं मर गया मेरा जनाजा कौन उठावेगा पुत्रा मैनू कौन दफन करेगा। अर्ज की कमली वाले वडेरे रोंदे रह गए उन्होंने रोंदा छड़ के निकले आओ तो दरवाजे च खलो के मेरी कंड वेखदे रहे। अर्ज की कमली वाले राजी हो जा मैं मापे रोंदे छड़ आया तेरे आका फरमा नौजवाना किते मापे रोंदे होन ओदे ते नबी राजी नहीं आंदा फरमाया वापस चला जाओ जेड़े वडेरियां नूं रोंदियां छड़ आया है जाके उन्हां नूं राजी कर लै दीने ना भी आवे मैं राजी राजी।